अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना, फरहाना के खाने में। आज मैं आपके लिए बकरीद के हवाले से एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, और वो है ये मटन चॉप्स, गोट चॉप्स, जिसको हम मटन चांपे भी कहते हैं। तो इनको मैं फ्राई करूँगी, और ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। ये मैंने इसके ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है चांपे, ये स्प्रिंग गोट की हैं, तो ये तकरीबन 1.25 kg हैं, 1.25 kg। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये जाएगा कोरिएंडर, हरा धनिया, मिंट फ्रेश, ये 1-1 कप लिया है मैंने। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 10-12 की करीब हरी मिर्ची ली हैं, जो ये बड़े साइज़ की हैं, तो ये मैंने 10-12 ली, क्योंकि इसमें लाल मिर्चें नहीं डाल जाएंगी, इसलिए मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा ली हैं। आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये 2 इंच का अदरक का पीस है, और ये गार्लिक है 4-5 जवे, और ये जो है अनियन है, ये सिर्फ हाफ अनियन है, तो ज़्यादा नहीं मैंने इसमें डाली है। और इसके अलावा ये 1/4 कप जो है लेमन जूस है। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये मेरे पास पोमेग्रेनेट का पाउडर है, अनारदाना जिसको हम कहते हैं, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के है। और इसके अलावा हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है 2 चमचे, सॉल्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और हमारे पास ये 2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर है। और इसके अलावा मेरे पास ये मिडल ईस्टर्न हर्ब है, स्पाइस है, हर्ब कहने से सुमक, ये मैं इसमें डालूंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक ग्राइंडर में ग्राइंड होंगी, इसका एक फाइन पेस्ट बनेगा, और फिर इसको मैं चॉप्स में डाल के बॉयल करूंगी, और फिर इसको फ्राई करूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं ग्राइंड करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने अपना सारा मसाला ड्राई और फ्रेश जो भी इंग्रेडिएंट्स थे ये सारा डाल के जो है ना मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और अब ये पॉट के अंदर चॉप्स जाएंगी। और इसमें ये सारा जो मसाला है वो इसके ऊपर चला जाएगा। और इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ये गलने के बाद इसको ड्राई करना है इसी के अंदर, क्योंकि इसको हम फ्राई करेंगे, तो पानी इसमें कम डालेंगे। ये देखें चॉप्स जो हैं इसमें कुक होनी शुरू हो गई हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको हम गलाएंगे जब तक ये इतना ना गले कि ये फ्राई करने के काबिल ना रहे। इसको गलाना है, लेकिन इतना गलाना है कि ये टूटे ना, क्योंकि इसको हमें आगे फ्राई भी करना है, और इसका पानी जो है इसी में इसको ड्राई करना है। ये देखें हमारे चांपों का जो पानी है वो ड्राई हो गया है ऑलमोस्ट, और ये गल भी गई हैं। तो अब ये जब पानी इसका बिल्कुल मुकम्मल खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको बंद कर दूंगी, और फिर मैं आपको इसका आगे का बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से, इनको पहले ठंडा करेंगे, जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर हम इनको फ्राई करेंगे। देखें हमारी चांपें ठंडी हो गई हैं बिल्कुल, और ये बिल्कुल रेडी हैं तलने के लिए। तो अब मैं आपको आगे का इसका प्रोसेस बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से फ्राई करेंगे। ये मैंने गरम करने के लिए रख दिया है फ्राई करने के लिए। ये 4 eggs हैं, ये इनको मैं लाइटली बीटिंग कर लूँगी। इसमें कुछ नहीं मिलाना, क्योंकि जो चॉप्स हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी मसाला जो है लिपटा हुआ है। और इसके साथ ही हमारे पास ये मैदा रखा हुआ है, जिसमें मैं पहले लाइटली कोट करूंगी, बहुत लाइटली। इस मैदे में कुछ भी नहीं है, ये खाली मैदा है, और ये सिर्फ इसलिए है कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए।
मैं अभी आपको दिखाती हूँ फ्राइंग पैन की तरफ। इस तरह से हम मैदे का हल्का सा कोट करके और इसको एग में डिप करके तलने के लिए डाल देते हैं। तो ये हमारी चॉप्स फ्राई हो रही हैं। जब भी गोल्डन हो जाएंगे तो हमें निकाल लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गली भी हैं, इनको गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी जो है ख़ास मैं बकरीद के लिए मैंने तैयार की है, क्योंकि बकरीद में कई तरह की पोर्शन होते हैं मीट के, और चॉइस होती है कि आप डिफरेंट तरीके से चीज़ें बना सकते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की लगेंगी। इसका जायका बहुत अच्छा है, जो इसमें स्पाइसेस लगी हुई हैं। देखिए हमारी मटन की फ्राइड चॉप्स तैयार हो गई हैं और बहुत देखने में ही मज़े की लग रही हैं। आप लोग इसको ज़रूर बकरीद पे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। मैं एक इसमें से खोल के दिखाती हूँ। देखें कितनी अच्छी गली हुई है। बहुत ही लजीज बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी। और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।